हे हेलो नमस्कार, मैं हूं आपका भाई शारिक और आप देख रहे हैं नमस्ते राजस्थान न्यूज। जिस होटल में रुके हैं गहलोत गुट के विधायक, उसे बम से उड़ाने की मिली धमकी। आइए जानते हैं पूरी रिपोर्ट। जिस होटल में रुके हैं गहलोत गुट के विधायक, उसे बम से उड़ाने की धमकी। होटल सूर्यगढ़ को बम से उड़ाने की मिली धमकी। हरकत में आई पुलिस, कोटा से एक युवक गिरफ्तार। राजस्थान के जैसलमेर स्थित होटल सूर्यगढ़ को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। एक व्यक्ति ने होटल के लैंडलाइन पर कॉल कर ये धमकी दी। इस होटल में गहलोत गुट के विधायक ठहरे हुए हैं। धमकी मिलने के बाद यहाँ पर हड़कंप मच गया। राजस्थान पुलिस अलर्ट हो गई है। इस पूरे मामले में कोटा से एक युवक को गिरफ्तार किया गया है, उससे पूछताछ की जा रही है। सूत्रों के मुताबिक बता दें कि राजस्थान की गहलोत सरकार पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। सीएम अशोक गहलोत को विधायकों के टूटने का डर था। पहले उन्होंने अपने विधायकों को जयपुर के एक होटल में ठहराया और अब बीते कुछ दिनों से ये 102 विधायक जैसलमेर के होटल सूर्यगढ़ में ठहरे हुए हैं। विधायकों से 14 अगस्त तक होटल में ही रहने को कहा गया है। उन्हें कहा गया है कि लोकतंत्र बचाने के लिए ऐसा करना जरूरी है। बता दें कि 14 अगस्त से राजस्थान विधानसभा का सत्र शुरू हो रहा है। इसी बीच अशोक गहलोत से जारी जंग के बीच राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने गांधी परिवार से मुलाकात की। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से मिलने के बाद सचिन पायलट ने कहा कि मुझे पद की लालसा नहीं है, मैं चाहता था कि जो मान सम्मान स्वाभिमान की बात हम करते थे वो बनी रहे। इस मुलाकात के बाद माना जा रहा है कि राजस्थान कांग्रेस में सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा और गहलोत सरकार पर जो खतरे के बादल मंडरा रहे थे वो हट जाएंगे। सचिन पायलट सोमवार रात अपने समर्थन विधायकों को लेकर राहुल गांधी के दफ्तर पहुंचे। कांग्रेस वार रूम 15 GRG में ये बैठक हुई। बैठक में प्रियंका गांधी भी मौजूद रही। इससे पहले पायलट ने राहुल प्रियंका से सोमवार दिन में भी मुलाकात की थी। उधर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने सचिन पायलट की शिकायत की जांच के लिए 3-सदस्यीय समिति गठित करने का निर्णय लिया है। ये फैसला पायलट और उनके समर्थन विधायकों द्वारा उठाए गए मुद्दों का उचित समाधान करने के लिए लिया गया है। तो खबरों का सिलसिला यूं जारी रहेगा, देश विदेश और राजनीति की ऐसी बड़ी खबरों के साथ बने रहे हमारे न्यूज चैनल नमस्ते राजस्थान न्यूज पर। हमारी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें, और हमारे चैनल नमस्ते राजस्थान न्यूज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।